ये कड़ी धूप में बदन पर डंडों की बरसात, और खाली आंखों में बस एक उम्मीद भरा सवाल, कब मिलेगी आजादी, कब खाने मिलेगा अनाज और ना कि डंडे, और कब सो पाएंगे अपने घरों में चैन से, क्या इस जन्म में आजादी देखने में नसीब होगी, और बस ऐसे ही तमाम सवाल लोगों के जहन में अपना घर बसा रहे थे, आश कर रहे थे। और जब भी हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो तीन चेहरे सभी के सामने आते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने अहिंसा और सत्य के मार्ग से आजादी की लड़ाई लड़ी, और दूसरे थे हमारे नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी विचारधारा कुछ ऐसी थी कि ब्रिटिशर्स को शांति से बातचीत करना नहीं बल्कि लड़ाई और हथियारों के जरिए ही इंडिया से बाहर भगाया जा सकता है। और तीसरा चेहरा एक ऐसे इंसान का था जिसके बारे में ना तो हम कभी कल्पना कर सकते हैं और ना ही आजाद भारत के इतिहास में कहीं पर उसका जिक्र है, और वो पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूर और सबसे जालिम तानाशाह के नाम से मशहूर है। लेकिन किस्मत का पहिया तो देखो, शायद वो भारत के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था। कैसे वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया के लिए किसी हीरो से कम साबित नहीं हुआ? मैं बात कर रहा हूं एडोल्फ हिटलर की, जिसका भारत की आजादी के इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। और बचपन से जब आजादी की बात आती है तो आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा सबसे पहले आता है, वो है महात्मा गांधी जी का। लेकिन बात तो यह है ना कि बाकियों के बारे में क्यों नहीं किया गया इतना जिक्र? क्या हमारे इतिहास को झूठ के कलाम से तो नहीं लिखा गया? आखिर क्यों इतिहास पढ़ाने वाले ये चाहते थे कि आजादी के नाम से हमारे लफ्जों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द आए, गांधी जी का। लेकिन फ्रेंड्स डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इतिहास में डीप जाकर थोड़ी तहकीकात करेंगे, थोड़ा डीप रिसर्च करेंगे, फैक्ट्स जानेंगे, खोजबीन करेंगे, और आपके सामने वो सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे कि सब कुछ जानने के बाद आप खुद ये डिसीजन अपने आप लो कि किसका हमारे आजादी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। हमारे सामने है तीन योद्धा और जंग सिर्फ एक ही है, भारत को आजादी दिलाना। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इन तीन में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा होगा? तुरंत अभी जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना, और फिर बाद में हम देखेंगे कि आप सही थे या गलत थे। सो अगर कर दिया हो देन लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री एंड डिस्कवर द डार्क पास्ट एंड अननोन डार्क सीक्रेट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया, और इस हथियार से ना सिर्फ अंग्रेजों के सिस्टम्स को बल्कि उनके आर्थिक स्थिति को भी डामाडोल कर दिया, और सीधी भाषा में बोले तो सच्चाई और अहिंसा ने उनकी जेबें काट डाली। ये नजारा है चंपारण के आंदोलन के पहले का। गरीबी और भुखमरी का तांडव झेल रहे थे किसान, और एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसते थे बच्चे। चारों तरफ से भुखमरी, गरीबी, गंदगी और बीमारी ही थी। पर महात्मा गांधी जी के 1917 के चंपारण के आंदोलन के बाद अंग्रेजों को किसानों के बंजर जमीन के मुआवजे देने पड़ गए, और ये ऑफ कोर्स उन्होंने मजबूरी में किया। और ऐसे ही हमारे देश में उस वक्त में हमारे ही उत्पादनों को खरीदने के लिए टैक्स हमसे ही वसूल किया जाता था, और इसे ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गांधी जी ने एज यू नो द सॉल्ट सत्याग्रह या नमक हड़ताल किया, और मजबूरन अंग्रेजों को रोजमर्रा की चीजों में से टैक्स को हटाना पड़ गया। और अब तो ये अंग्रेजी सरकार की अर्थव्यवस्था पर और कानूनों पर हमारे इस अहिंसावादी योद्धा का सिर्फ पहला वार था, लेकिन दूसरा वार इससे भी ज्यादा तेज था, जब हजारों वकीलों ने कोर्ट्स, शिक्षिकाओं ने स्कूल्स, मजदूरों ने दफ्तर छोड़ दिए, और देखते ही देखते सारे दफ्तरों, स्कूलों और सरकारी ऑफिसेज में ताले लग गए। और इस चुपी भरे वार का नाम बाद में दिया गया असहयोग आंदोलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दी नॉन कोऑपरेशन, जिसमें गांधी जी ने ना सिर्फ जगह जगह पर जाकर लोगों को अंग्रेजी सरकार के लिए काम न करने के लिए उकसाया, और देखते ही देखते इसमें 6 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो गए, और इससे अंग्रेजी लोगों का सिस्टम पूरा ठपा ठप हो गया, आर्थिक व्यवस्था चरमराने लग गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने बौखलाकर वायलेंस यानी कि लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, और गांधी जी जैसे लीडर को जेल में डाल दिया, और उसके बाद वो लोगों को बेरहमी से मारने लग गए, जिसके चक्कर में इस असहयोग आंदोलन को वहीं पर दबा दिया गया। लेकिन अब असल में लोग जाग चुके थे, अपनी हिम्मत को पहचान चुके थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ बोलना सीख चुके थे, और देखते ही देखते 1942 में एक बार फिर से गांधी जी ने लोगों को उकसाना शुरू किया, और ये अनाउंस कर दिया कि अब तो जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक कोई भी घर पे चैन से नहीं बैठेगा। और अब ऐसे में गांधी जी का ये अहिंसा पूर्वक आंदोलन हिंसात्मक बन गया। लोग सरकारी दफ्तरों को तोड़ने लग गए, रेल की पटरियों को उखाड़ने लग गए, अंग्रेजी सैनिकों पर हमला करने लग गए, और इसके बाद इन वे अंग्रेजी सरकार को यह समझ में आ गया था कि उनका समय अब इस देश में ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है।
गांधी जी के इन सभी आंदोलनों की वजह से गरीब किसानों को मुआवजे मिले, लोग अब दो वक्त की रोटी के मोहताज बने और अब उन्हें रोजमर्रा की चीजों पर भारी टैक्स नहीं भरना पड़ता था। और इससे हमारे भाई बंधुओं ने थोड़ा सही सही पर आजादी का स्वाद तो चखा और यहाँ तक कि अपने वतन के लिए मरने तक तैयार हो गए थे। और दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन वहीं पर लड़खड़ा रहा था, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक फन फास्ट एंड फेयर एप्लीकेशन की। इसका नाम है sportsbet.io और ये बहुत ही इजी टू यूज एप्लीकेशन है। इसमें आप लाइव गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे गेम्स पर प्रेडिक्ट करके अगर सही रहा तो पैसे अर्न कर सकते हो। ये ऐप क्रिकेट की गेम्स में ज्यादा स्पेशलाइज करता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर खुद ऑस्ट्रेलियन बोलिंग सेंसेशन ब्रेट ली है। इसके स्पॉन्सर्स और भी बहुत सारे फेमस फुटबॉल क्लब्स हैं। इसमें क्विक डिपॉजिट्स और फास्ट विड्रॉवल्स हैं थ्रू नेट बैंकिंग एंड इवन थ्रू क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइंस एटसेट्रा। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और इस ऐप को डाउनलोड कर लो और अपने मैच प्रेडिक्शन स्किल से पैसे कमाओ। गांधी जी के विचारधाराओं ने लोगों को युद्ध की रणभूमि में जैसे उतार दिया था, पर अब वो लोग मार का जवाब अपने दूसरे गाल को आगे करकर नहीं देना चाहते थे। उन्हें एक अंग्रेजी लाठी का जवाब 10 भारतीय लाठी से देना था और ऐसे में उन्हें जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो उन्हें लड़ना सिखाए, उकसाए और हथियार भी ला के दे। और ऐसे में उन्हें राह दिखाने के लिए आते हैं हमारे कहानी के दूसरे हीरो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सबसे पहले लगाने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी, जो विदेश में होने के बावजूद भी उन्होंने भारत में एक अपनी आर्मी तैयार कर ली थी। उन्होंने लोगों के मन में अंग्रेज के खिलाफ लड़ने की एक नई चिंगारी जलाई और जब उनकी आर्मी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर उसे आजादी दिलाई और उसे आजाद भारत का एक हिस्सा बनाया और जब उनकी सेना ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और उसे आजाद भारत का पहला हिस्सा बनाया, तब उन्होंने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, उन्हें हरा के बाहर खदेड़ देना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। और उनके यही एक्शन से चेंज हुआ लोगों का भी माइंडसेट। आक्रोश की लहर बनकर सभी लोगों के दिल में भड़कने लगा और उनका आत्मविश्वास अब उनका वज्र और भाल बन गया। और ऐसे करके हमारे नेताजी जहाँ एक तरफ वो लोगों को लड़ना सिखा रहे थे और वहीं वो दूसरे तरफ वो दुनिया के उस समय के सबसे खतरनाक, शक्तिशाली और तानाशाह दरिंदों को अपना सबसे खास दोस्त बना रहे थे। बिल्कुल, नेताजी और हिटलर, एडोल्फ हिटलर दोस्त बन चुके थे। जर्मनी में पूरे एक साल बिताने के बाद फाइनली नेताजी हिटलर से मिले। पर अब सवाल ये आता है कि नेताजी का हिटलर के सामने दोस्ती के हाथ बढ़ाने के पीछे का असल में मकसद क्या था? Well, मकसद साफ था, हिटलर के साथ मिलकर अंग्रेजों को खत्म करना। और उसके लिए नेताजी ने चली वो सबसे पुरानी चाल, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। और उस समय वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वैसे भी हिटलर ब्रिटेन के साथ लड़ ही रहा था और नेताजी के इस बात से वो सहमत तो था, मगर उसने मदद के लिए पूरी तरीके से ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा। उसने कहा कि अगर वो दोनों भी ब्रिटेन में एक ही साथ में लगातार हमले करते रहे तो ब्रिटेन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा और नतीजन वो हार जाएगा। और अपने इस वादे के मुताबिक हिटलर ने ऑपरेशन ब्लिट्ज के तहत लगातार इंग्लैंड के एयरबेस और शहरों में बॉम्ब्स गिराना शुरू कर दिया। और अब एक तरफ नेताजी हिटलर को अपना सार्थक बना चुके थे और दूसरी तरफ वो अपने आकर्षित व्यक्तित्व की वजह से जापान से भी बहुत अच्छे रिलेशंस बना रहे थे। और इसके कारण जापान के पीएम टोजो ने नेताजी से बात करके युद्ध में पकड़े गए हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सारे भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया और फिर वो सैनिक और कई सारे साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय लोग बोस के आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और इस फौज को हथियार से लेकर पैसे सब कुछ जापान दे रहा था। पर बदले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापान के साथ बर्मा और मणिपुर में दो युद्ध लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन बोस ने अपनी फौज से यह वादा किया था कि सिर्फ एक साल के अंदर वो आजाद हिंद की फौज को आजाद भारत के सर जमीन पर लेकर आ जाएगा। और उनकी ये बात सच भी साबित हुई जब जापान ने ब्रिटिश से वर्ल्ड वॉर टू में जीते हुए आइलैंड अंडमान एंड निकोबार नेताजी को दे दिए और फिर इन्होंने यहाँ पर स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी गवर्नमेंट बनाई और जिस सरकार को 9 देशों ने मान्यता भी दी और इनमें से कुछ देश थे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इटली एटसेट्रा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आजाद भारत का पहला हिस्सा था जहाँ पर तिरंगा पहली बार लहराया गया और इस आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वहां पर अपनी खुद की एक सरकार के साथ उनका खुद का एक बैंक भी था जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक और यहाँ तक कि आजाद हिंद की खुद की करेंसी और स्टैम्प्स भी थे। और जल्दी सभी लोगों में ये बात फैल गई और सभी को आजाद हिंद का एक पार्ट बनना था क्योंकि उन्हें मिल गया था एक ऐसा नेता जो ईंट का जवाब सिर्फ पत्थर से दे रहा था।
और क्लियरली ये काम भी कर रहा था। उनके कर्म, उनके एक्शंस भारतीयों को उस दिशा में लेके जा रहे थे जहां पर उन्हें आजाद भारत का सपना रियलिटी में तब्दील होते हुए नजर आ रहा था। खुद की गवर्नमेंट और खुद की सेना बनाना, खुद की करेंसी बनाना, ये सभी ने लोगों को एक सिंबॉलिक विक्ट्री को प्रेजेंट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और लोगों को लगने लग गया कि एक दिन भारत भी इसी तरीके से आजाद होगा अगर हम सब भी मिलकर इनका साथ देने लगे तो। पर नेताजी ब्रिटिशर्स पर हमला करने ही वाले थे कि 1945 के सुबह अखबार में एक खबर छपती है। जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली है, और ये खबर सुनकर जैसे इतिहास एक बार फिर से हमेशा के लिए बदलने वाला था। और उसी साल जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके, और जिस वजह से जापान की इकोनॉमी और फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से तहस महस हो गई। और कमिंग बैक टू इंडिया इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपने दो सबसे बड़े सार्थक खो देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए परिस्थितियां बहुत ही कठिन हो गई। आजाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और लाल किले में उन सारे सैनिकों पर मुकदमा चला। पर यह देखकर पूरा का पूरा भारत जैसे भड़क पड़ा। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे वो आंदोलन करने लग गए, लोग सड़कों पर उतर गए। ये सारी चीजें नेताजी की एक बात को सच कर दिए कि अगर आजादी की इच्छा हर भारतीय के मन में है तो भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सब देखकर अंग्रेज भी अच्छे से समझ गए थे कि वो अब अपने ही भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब भारत के लोगों में आजादी का एक अलग ही जुनून सवार था। और साथ ही वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो जाने के बाद अंग्रेजी शासन अब हैंडीकैप्ड सा हो चुका था। उनके पास मिलिट्री बैकअप फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, के पास जंग लड़ने के लिए आर्मी मैन नहीं थे, हर जगह पे नॉन कोऑपरेशन हो रहा था, और ऐसे में ब्रिटिशर्स को रिट्रीट करना ही समझदारी का काम लगा। सो ये हुई फ्रेंड्स हमारे इंडिपेंडेंस की कहानी। बट अब जरा सोचो कि वर्ल्ड वॉर के वक्त अगर हिटलर इंग्लैंड को उतना कंगाल नहीं करता तो क्या सच में हमें आजादी मिल पाती? वेल, जर्मनी और जापान जैसे देशों का साथ हमें इसीलिए मिला क्योंकि इंग्लैंड उनका कॉमन दुश्मन था, और युद्ध के दौरान ब्रिटेन खुद के घरों को जलने से बचा रहा था और भारत में उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। और साथ ही नेताजी और गांधी जी के विचारधाराएं भले ही अलग क्यों ना हो, इन दोनों की क्या भारत का हर एक इंसान आजाद भारत में सांस लेने के सपने देखता था, और फिर चाहे वो सपने को पूरा करने के लिए बापू की लाठी हाथ में लेता हो या फिर नेताजी की बंदूक। उनके अंदर के इस जुनून और आक्रोश ने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी और ब्रिटिश को इंडिया को छोड़कर भाग जाना पड़ा। पर इस बात पर जरा गौर किया जाए कि अगर ये विश्व युद्ध नहीं होता तो आजाद हिंद फौज की सिर्फ 5,600 की सेना बहुत ही फीकी पड़ जाती थी ब्रिटिशर्स के सामने, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियार थे उस समय। और फिर भले ही भारत के अंदर आंदोलन और दंगे होते पर ब्रिटिश उन्हें उसी तरह से सामना करती जिस तरीके से वो पिछले 200 सालों से सबका करते आ रही थी, और फिर शायद भारत को आजाद होने के लिए थोड़े से और साल लग जाते। और इसके साथ जर्मनी और हिटलर की वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिला, जिसकी वजह से इंग्लैंड इंडिया में अपने हथियारों को रिफिल नहीं कर पा रहा था। As you can see map में एरिया ये और ये एरिया जो कि इंडिया तक पहुंचने का रास्ता है ये हिटलर द्वारा कंट्रोल हो चुका था, और ब्रिटिश यहाँ से अपने देशों से हथियारों को सप्लाई नहीं कर पा रही थी और ब्रिटिशर्स कमजोर होते जा रहे थे इंडिया में। एंड ऑफ कोर्स उन्हें अपनी फैक्ट्री इंडिया में डालने के लिए कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था इंडियन लोगों से, और इस वजह से उनकी पकड़ छूटते ही जा रही थी और इन फ्यूचर कहीं पर भी स्ट्रांग होते हुए नहीं दिखाई दे रही थी। So well friends, now you have it, ये तीनों महानायकों की कहानी, जिसमें से एक तो था विलन पर शायद उसने इंडिया के इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा रोल प्ले किया हो सकता है। Well, आपको क्या लगता है किसका योगदान सबसे ज्यादा था हमें आजादी दिलाने में? And with that said, अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल के सिर्फ फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। As always friends, knowledge को बढ़ाते रहना है हमारा काम। See you in another video. Stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.